हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैं अंजलि आ गई हूँ आपके लिए। देखिए कितनी टेस्टी सी ग्रेवी की एक रेसिपी लेकर आज मैं परवल आलू बनाने जा रही हूँ। परवल को इंग्लिश में पॉइंटेड गॉर्ड बोलते हैं। तो किस तरह से मैंने बनाई है इतनी डिलीशियस सी सब्जी, तो चलिए देखते हैं। मैंने ले 1/4 किलो परवल ले लिए हैं और उसको अच्छे से धो लिया है, और 2 लिए हैं ओनियन और 2 ही लिए हैं पोटैटो। तो उसको मैंने छील के कट कर लिया है। अगर उसके अंदर मोटे सीड है तो आप निकाल लें जिस तरह से मैंने निकाला है। और मैंने लिया है कुकर में, आज हम ये ग्रेवी बनाएंगे जो कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। मैंने 2 चम्मच ऑयल में इसको अभी अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसका एक शाही जैसा स्वाद आए खाने में और बहुत ही रिच बन के रेडी हो। तो इसको भी 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि जो हमारे गोल्डन कलर के आलू और परवल ना हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए हो चुके हैं, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में या एक प्लेट में। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो मैंने वही कुकर यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैंने डाल दिए 2 चम्मच राई के दाने, और मैंने जो 2 ओनियन लिया था उसको बारीक कट कर लिया है, तो वो हम डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। आपको चाहिए तो कुकर आप दूसरा धो के भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वो यूज़ किया है। हमारे जो है ओनियन थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। अभी मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड कर दिया है। अभी बेसन को अच्छे से भूनेंगे, जब उसमें खुशबू आने लगेगी तब तक उसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो जो है बेसन हो गया है। अभी 1 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल दिया। तो जो शादी में जो ग्रेवीज वगैरह बनाते हैं उस तरह से मैं बना रही हूँ, हलवाई स्टाइल में। मैंने उनसे से मैंने पूछा था तो उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अभी मैंने 2 टमाटर इसमें कट करके डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो है ये अच्छे से थोड़े सॉगी और थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए हो चुके हैं। अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच मैंने डाला है छोटा हल्दी का, और 1 चम्मच डाला है लाल मिर्ची का, 1 ही चम्मच डालूंगी धनिया पाउडर का, और 1 चम्मच डालूंगी जीरा पाउडर का। बस इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से थोड़ा सा इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही टेस्टी ये ग्रेवी लगती है। परवल हम भर के भी बनाते हैं, वो भी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, पनीर भर के बनाते हैं। तो ये ग्रेवी वाली है। देखिए मसाला भून गया, अभी हम सब्जी इसमें ऐड कर देंगे। बच्चे भी इसको बहुत ही पसंद करेंगे इस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि सब्जी जो है हम इंडियंस लोग एक तरीके से नहीं बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं, तो ये भी एक तरीका है। अभी मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का डाल दिया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। 1 से 2 मिनट हो गए हैं भुनते हुए मसाले के साथ सब्जी को। अभी मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी। आप नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं डाल दूंगी इसमें पानी, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनानी, थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी है। तो मैंने 1 कप जो है इसमें पानी ऐड कर दिया है, और मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में बना के बहुत ही टेस्टी लगती है। 1 सीटी आने तक, क्योंकि हमारे जो है सब्जियाँ पहले से ही हमने इसको फ्राई करके रखा है, तो ज़्यादा ये अभी कच्ची नहीं है और बहुत घुलानी भी नहीं है हमको कि घुल जाए। तो 1 सीटी लगाएंगे तो हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको निकाल दिया एक सर्विंग बाउल में, और ऊपर से धनिया को गार्निश कर दिया है। इस टाइम पे आप नमक कम ज़्यादा चेक कर सकते हैं। तो कल फिर मिलूंगी आपको न्यू रेसिपी या न्यू ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।